सिंगरौली में एक बच्चे की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर समय पर उपचार न करने का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि परिजन झाड़ फूंक में लगे थे, इसमें किसी भी तरह की अस्पताल की कोई गलती नहीं है, लेकिन बच्चे के उपचार के लिए लगाए गए इंजेक्शन के देरी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जिले के नए अस्पताल ट्रामा सेंटर में 15 वर्षीय किशोर संपत उपाध्याय की सर्प काटने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से किशोर की मौत हुई है। समय रहते यदि सर्प दंश उपचार किट व इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया जाता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। अस्पताल में किस तरह अव्यवस्था है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल में सर्प दंश उपचार किट टिटनेस इंजेक्शन ही उपलब्ध नहीं था। बताया जा रहा है कि देवसर विधायक सुभाष वर्मा के हस्तक्षेप के बाद इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सहायक कलेक्टर ने जांच की तो डॉक्टरों का कहना था कि बच्चे के परिजन झाड़ फूंक में पड़ गए थे, अस्पताल से बिना बताए बाहर चले गए, इसमें किसी भी तरह की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही नहीं है। तब बोले कि यहाँ पर दवाई नहीं मिलेगा बैठन हॉस्पिटल में, बैठन पूरा मेडिकल स्टोर में। कहाँ घूमेंगे दवाई के? सीएम हेल्पलाइन में फोन किए हैं आप? सीएम को शिकायत किए थे? क्या क्या बताया गया उधर से? बोले जो बताए हैं अभी बताए हैं। हाँ हाँ, बोले कार्रवाई करेंगे। वो कहते हैं आप फोन होते हैं पंचायत का है। ये आज की घटना इतनी दयनीय है कि मेरे आंखों के सामने इस बच्चे की जान गई है। हाँ, मैं रात में 11 बजे इनके बच्चे को जब सर्प काटा है इन्होंने लेकर के हॉस्पिटल आया, और आने के बाद हम लोगों को तक जानकारी ये नहीं हो पाई, लेकिन सोनू श्रीवास्तव ने मेरे को फोन किया। फोन पर मेरे को सुबह में जब बताया तो मैंने अपने विधायक जी को माननीय सुभाष वर्मा जी को मैंने फोन किया। उन्होंने तुरंत क्या नाम है डॉक्टर को फोन करके और पूछा कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, तब जाकर के इन्होंने दवा देना चालू किया, दवा लगाया। मैं एक आरोप ये भी है यहाँ पे कि कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार जो अपने मध्य प्रदेश में थी, ऐसे में लाए हुए यहाँ पे जो ये चापलूस तरीके के जो यहाँ पे इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं इस हॉस्पिटल में, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि अब अपनी सरकार बन गई है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, कदापि किसी भी तरीके से ऐसे दुराचार ऐसे दरिंदों को बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे जिस प्रकार से ये कृत्य कर रहे हैं ये इनको होश में आनी चाहिए। जब रात से लेकर के जब वो तड़फड़ा रहा था बच्चा, उनको दवा क्यों नहीं मिली? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।